नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल हेमा मोहता पर स्वागत है। आज मैं आपको खीरान यानी दूध भात बनाने की रेसिपी बताऊंगी। मैं चावल की खीरान की रेसिपी बता रही हूँ। पहले दो कटोरी चावल मैंने मीडियम साइज की कटोरी ली है और चावल भिगो के रखा है। अब उसके बाद मैंने दूध उबालने के लिए रखा है 1.5 लीटर, और उसमें अगर कम ज़्यादा रहा तो और ऐड कर सकते हैं बाद में। उसके लिए चाहिए आधी कटोरी देसी घी, थोड़ी इलायची पाउडर करीबन 1 चम्मच, सैफ्रॉन भिगो के रखा है पानी दूध में, और जिस साइज के कटोरी से चावल लिए है वही कटोरी से 2 कटोरी शक्कर चाहिए, थोड़ी किशमिश, 15-20 बादाम कट करके रखे हैं और 15-20 काजू मैंने ये कटिंग करके रखी है। अब ये चावल का पानी निकाल लिया है और ये उबाल आई है, इसमें हम ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से हिलाते रहना है कंटिन्यू, ताकि ये चिपक न जाए। और ये होने के बाद हम कंटिन्यू इसे हिलाते रहेंगे और अब इसमें अच्छे से उबाल आ रही है, तो इसे हमें घड़ी घड़ी हिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो चावल पकने तक देखना है। अगर चावल नहीं पके हैं तो और उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। अब ये पक गए हैं पर फिर भी ऐसे लगता है थोड़ा सा और दूध ऐड होना ही चाहिए, तो हम इसमें और थोड़ा 1 गिलास में दूध ऐड कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा खीरान और अच्छी तरह से हो जाए। और ये मैंने लेते टाइम ही थोड़ा जाड़ा पतीला लिया है और इसे अच्छी उबाल आने देंगे। और अब ये अच्छी तरह से चावल पक चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी शक्कर और शक्कर डाल के कंटिन्यू हिलाते रहना है, ताकि ये चिपक न जाए। 2 कटोरी शक्कर डालने के बाद हम इसमें एक केसर ऐड करेंगे, इलायची पाउडर और इसमें ये घी भी ऐड करेंगे। और इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है, ताकि ये पतीला जाड़ा भी रहा तो चिपक सकता है। अब इसमें ऐड करेंगे किशमिश, बादाम और काजू। अब इसे 4 से 5 मिनट तक करीबन हिलाते रहना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ना चिपके। अच्छे से पक चुकी है और देखो उसमें उबाल भी आ रही है। अब इसे गैस बंद कर देंगे हम और 5 मिनट के लिए बफने के हिसाब से रख देंगे। अब ये 5 मिनट हो चुके हैं, हम उसको निकाल के देखेंगे। वाह, बढ़िया खुशबू भी आ रही है और केसर की वजह से कलर भी चेंज हो गया है इसका, बहुत बढ़िया सुनहरा कलर आया है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।